distinguished contributions of Professor Hetukar Jha to the fields of sociology, anthropology, and history. He devoted his lifetime to teaching sociology and doing immaculate distinguished research in the field of sociology, anthropology, and history since 1968. In 1972, he was awarded Fulbright Scholarship. Professor Jha has got published 23 books and more than 120 research articles in different national and international journals of sociology, anthropology, and history. They are examples of cutting-edge breakthrough research on villages, traditions, culture, and education from a historical perspective, which has influenced several generations of Indian scholars. He has participated in seminars, conferences, both in India and abroad, and has also served the UGC and ICSSR as a member of different important committees. After retirement, he has completely devoted himself to research on different aspects of the regions of Bihar in particular and India in general from a historical perspective. He is committed to the field of historical sociology and believes that Indian sociology can't be profoundly understood without incorporating the field-to accounts of Indian history. In summary, Professor Hetukar Jha has made continuous and valuable contributions to the fields of sociology, anthropology, and history in teaching and research over 47 years. This record of contributions to social sciences is worthy of recognition by Sulabh International Social Service Organization via the award of Sulabh Fellowship. It is therefore proper and fitting that we award him the Sulabh Fellowship with citation as distinguished scholar in the field of sociology and anthropology and history on this day of December 2015. सबके बंदर उस तक नहीं पहुंच पाते,
पाठक जी ने आज जो सम्मान दिया है उसके लिए अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, ये सारे सब क्योंकि जो मेरे हृदय में जो भावनाएं आ रही थी कि मैं उनके किस रूप में उस भावना को प्रकट करूँ, इसके लिए शब्द नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैं इसे भूलूंगा नहीं, मैं आगे नहीं रहूंगा। और सुलभ के जो भी कार्यक्रम होंगे जिसमें मैं कुछ योगदान दे सकूंगा मैं आगे। इसके अतिरिक्त एक बात भाग्य हम और कह देना चाहेंगे, के भाषण के मार्फत ये पता चला, मुझसे भी बात आई कि बोली साहब परमेश्वर साहब मानते हैं, कहते हैं कि हर गांव में स्कूल है, स्कूल के बच्चे अगर तैयार हो जाए, शिक्षक तैयार हो जाए, तो स्वच्छता अभियान बहुत आगे बढ़े। मेरा कहना ये है कि गांव की जब बात हम करते हैं हम भूल जाते हैं कि गांव तो छूट चुकी, गांव तो है कि नहीं। अभी जो ग्राम पंचायत आप देख रहे हैं ये सिर्फ फ्लैट एमेंडमेंट के बाद की है और ये कॉपरेटिव के आधार पर, इसका आधार गाँव नहीं है। 1946-47 में गांधी जी ने कम किया था कि हम हर गांव में पंचायत करें, हर गांव में एक पंचायत होगा, लेकिन 1950 के बाद गांधी का रूरल डेवलपमेंट के प्रसंग में जो भी मिशन था, जो भी प्लान था, क्रिस्टोफर जैकमैन ने इस वक्त अध्ययन करके दिया कि एक रिक्का भी अनुपालन नहीं होगा। मोदी जी इसका अनुपालन करना चाहते हैं तो पहले गांव की रियलिटी को, गांव की रियलिटी सेकुलर रियलिटी। 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार ने रियलिटी को तोड़ा और कास्ट और कमजोर रियलिटी को उभारा, कास्ट और कमजोर रियलिटी सेकुलर रियलिटी नहीं, और जब तक सेकुलर रियलिटी नहीं होगा डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए पहले तो मैं ये कहूंगा कि गांव का सशक्तिकरण हो, गांव आधारों में पंचायत का, गांव का अगर सशक्तिकरण होता है तो फिर गांव खुद अभियान में बहुत आगे आ जाएगा। ये अभियान बहुत इजीली ये संभव होगा, इस अभियान का लक्ष्य पूरा करना। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ फिर पाठक जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, जो ये सब सब हैं विभिन्न विभाग में उन्हीं शब्दों का सहारा लेकर मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। उन्होंने मेरा सम्मान किया, मेरे जैसे विद्वान को उनके बहुत सारे अपेक्षित हैं, संपर्क में है हिंदुस्तान में हर जगह। ये तो मैं उनका इसलिए है जो उन्होंने मुझे ही चुना, मुझे जो मैंने कहा जो जिनका ले रहा है और मैं इसलिए मैं आभारी रहूँ। ये सूरज स्कॉलरशिप जो है जो
यूनिवर्सिटी चर्च की ओर से उसके 1 लाख रुपये महीने का है, तो 6 लाख ऐसे कभी मिलना बाकी है। अभी 3 बजे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें ऐसे दिया जाएगा, और ये 2 साल का है, 15-16 और 16-17, 2 वर्ष से 1 लाख महीने का मिलेगा। और मैं उसके बारे में जो भी लिखना चाहेंगे लिखेंगे। और हेतुकर झा बहुत बड़े विद्वान है, अपने मुंह से कि विद्वान कैसे अपने मुंह कहेगा, बहुत ही विद्वान है और इतने के अध्ययन है, गहरा अध्ययन है समाज शास्त्र भी अंधी, काफी उन्होंने काम किया है, इनके पुस्तक प्रकाशन भी उत्सुक हुए हैं, देखे आश्चर्य रहेगा कैसे उन्होंने किया है, कितने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जगह से फोटोग्राफ हुआ के सुना के कितनी तस्वीर की उन्होंने, और हम लोग साथ करते थे तो फर्स्ट बैच थे, इसका जानी सीएम बैच थे, मैं तो फिर चलाया जैसे काम में ये तो उसमें लगे रह गए और विद्वान हो गए। विद्वान तो बड़े नहीं, एक विद्वान बन के सेवा करना चाहते हैं, विद्वानों की सेवा ही मेरा काम है, क्योंकि वो हो सकता है कि विद्वान स्वयं बन जाए और दूसरा है विद्वान की सेवा करे, तो हम सेवा करने वाले नहीं हैं और डॉक्टर इसका निजन करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निजन करते हैं, कि पुनः इनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्हें ग्रहण किया सुलभ फेलोशिप को और सुलभ फेलोशिप के लिए काम करेंगे। ठीक, धन्यवाद।